संविधान में हस्तक्षेप केंद्र से होता है वो बात हमने बिल्कुल मानी है, लेकिन जो आरक्षण ही है कई सालों से चल रहा है। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण को 10 साल के लिए 1950 में लागू किया था, उनका ये मानना था कि मेरे वर्ग का सबसे निचले तबके का व्यक्ति अगर इस देश के सर्वोच्च पद पर जिस दिन बैठ जाएगा, मैं समझूंगा मेरे देश का कहीं ना कहीं उद्धार हो चुका है। तो वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति एक निचले तबके के और एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो अब कम से कम आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए।